हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुबित बिजनेस वाला। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर बार आप लोगों के लिए नई नई अच्छी अच्छी वीडियो लाया करता हूं। और दोस्तों, हर बार की तरीके से इस बार भी एक अच्छी सी नई वीडियो लाए हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं बाबा नॉर्टन 100 ग्राम और रजनीगंधा 100 ग्राम, उन दोनों के बारे में बताएंगे, जानेंगे कौन है अच्छा। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन पे दोनों डिब्बे दिखाऊंगा बारी बारी से, तो उनके बारे में कुछ बताऊंगा, तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, रजनीगंधा का 100 ग्राम डिब्बा और बाबा नौतन का 100 ग्राम डिब्बा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये रजनीगंधा 100 ग्राम पान मसाले का डिब्बा है, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, रजनीगंधा 100 ग्राम पान मसाले का डिब्बा है। ठीक दोस्तों, आप ये जानते हैं कि ये DS ग्रुप की तरफ से बनाया जाता है, और रजनीगंधा की तंबाकू आती तुलसी, ठीक, तुलसी 00। दोस्तों, रजनीगंधा भी काफ़ी फेमस ब्रांड है। ठीक है, और दोस्तों, ये DS ग्रुप की तरफ से बनाया जाता है, धर्मपाल और सत्यपाल लिमिटेड। और दोस्तों, एक हाथ में मेरे हाथ में बाबा नौतन 100 ग्राम डिब्बा। बाबा नौतन जो है दोस्तों, ये धर्मपाल प्रेमचंद की तरफ से बनाया जाता है। दोस्तों, ऐसा है कि धर्मपाल ये दोनों के पिता थे, ये रजनीगंधा वाले और ये बाबा नौतन वाले भाई भाई ही हैं। जी हाँ, इसका ये धर्मपाल प्रेमचंद वाले बाबा वाले और ये धर्मपाल सत्यपाल वाले रजनीगंधा वाले। तो लेकिन दोनों ही फेमस कंपनी है, बाबा की महंगी महंगी तंबाकू आती हैं, महंगे महंगे पान प्रोडक्ट्स आते हैं, और रजनीगंधा भी काफ़ी फेमस है। अब दोनों का जब पान मसाला है, तो दोनों में कौन बेहतरीन होगा ये जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि किसका प्राइस क्या है। दोस्तों, बात करता हूँ कि जो बाबा का नौतन डिब्बा आप देख रहे हैं 100 ग्राम का, इसका प्राइस है 220 रुपये प्रिंट रिटेल में। ठीक, अगर आप ये मार्केट में लेने जाते हैं तो ये आपको पड़ता है क्या कहते हैं, 210 का। और वहीं अगर इसकी कोई पूरी फाइल लेते हैं तो उसमें ये पड़ता है 205 रुपये में, और जो कि फाइल आती है इसके 5 पीस की। जी हाँ, और बात करते हैं रजनीगंधा की, तो रजनीगंधा की फाइल आती है 10 की, ठीक, और उसमें ये पड़ता है 270 का। और अगर आप रिटेल में एक डिब्बा लेते हैं तो ये पड़ता है, ये 320 का है, और होलसेल में लेते हैं तो 280 का सिंगल पीस हर जगह है, मार्केट में कहीं भी ले लीजिए। अब दोस्तों, अब बात करते हैं कि दोनों में अच्छा कौन है। और दोस्तों हाँ, और बाबा में एक चीज़ ये है कि बाबा में देख ली सकते हैं स्क्रैच एंड विन 100 रुपीज़। बाबा नौतन में ऐसा है कि 10 रुपये से 100 रुपये तक इनाम निकलता है, तो अगर 10 रुपये का अगर इनाम निकल गया, 220 का प्रिंट है, तो ये 210 का खाने वाले को पड़ा। और रजनीगंधा तो यार 320 का है प्रिंट, ठीक, 320 का है, तो ये काफ़ी महंगा हो गया, कम से कम 100 रुपये का फ़र्क है। लेकिन दोस्तों, आपकी नज़र में कौन सा अच्छा है? तो दोस्तों, मैं बता दूं कि अगर आप कम पैसे में अच्छी क्वालिटी का खाना चाहते हैं तो आप बाबा खा सकते हैं, बाबा नौतन, और अगर आप बहुत बढ़िया क्वालिटी का खाते हैं तो रजनीगंधा। जी हाँ, देखिए रजनीगंधा एक ब्रांड ही अलग है, रजनीगंधा एक ब्रांड अलग है, रजनीगंधा बहुत अच्छा क्वालिटी का है, रजनीगंधा का फ्लेवर बिल्कुल ही अलग है, रजनीगंधा इज़ अ ब्रांड, ठीक, और बाबा नौतन भी एक ब्रांड ही है। लेकिन दोस्तों, ये नया लॉन्च हुआ था, और दोस्तों अगर आप कम पैसे में खाना चाहते हैं तो ये आपके लिए लाभदायक है। ठीक, कम पैसे में अच्छी क्वालिटी आपको बाबा नौतन दे सकता है, और अगर आप बहुत VIP हैं और बहुत बढ़िया हैं तो आप बाबा और रजनीगंधा 100 ग्राम खा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि आपको दोनों में से कौन पसंद है। प्राइस के मामले में बात करते हैं, और कम क्वालिटी में तो ये बाबा नौतन जीतता है, और अगर आप जो है बहुत बढ़िया क्वालिटी में मांगते हैं तो रजनीगंधा के क्वालिटी में कोई नहीं सकता, रजनीगंधा की क्वालिटी के आगे कोई नहीं है, और नौतन ये कम पैसे में ठीक ठाक क्वालिटी वाला पान मसाला है। तो अगर आपको जो भी पसंद हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप नौतन लाइक करते हैं या रजनीगंधा या कुछ और। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलेंगे आपको अगले किसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।